सरकार के प्रयास रहे हैं कि राजस्थान में जहां जहां भी अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से जो मजदूर और स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उनको उनके गंतव्य तक, उनके घरों तक पहुंचाया जाए, उनकी ये मुहिम अब रंग ला रही है। बीकानेर में भी राजकीय डूंगर महाविद्यालय से आज मजदूरों को, स्टूडेंट्स को 3 बसों के जरिए उनके गाँव और उनके जिलों तक पहुँचाया गया। पहले हम आपको दिखाते हैं डूंगर महाविद्यालय का वो सूरत हाल, जहाँ पर अधिकारी रिया केजरीवाल के नेतृत्व में बसों को रवाना किया गया। दिखाते हैं हम आपको डूंगर महाविद्यालय की कुछ सरकारी। अच्छा लग रहा है, और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग यहीं थे लालगढ़ बीकानेर, और अब घर जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ काम है हमारा छोटा मोटा, तो उसी के लिए आए हुए थे यहाँ पर हम लोग, अब घर जा रहे हैं तो ठीक लग रहा है। सर 21 तारीख से यहीं हम लोग तब से। अच्छा है सर, बीकानेर प्रशासन के लिए बधाई देना चाहूँगा, उन्होंने हम सबके लिए इतना किया। यहाँ पर हमने रिया केजरीवाल से की बातचीत। 3 बसें को रवाना की जाएगी, अभी एक बस जाएगी सीकर, जयपुर, अलवर, और इस बस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं और कुछ मजदूर हैं, और एक दो बस है वो जाएगी पंजाब, लगभग 90 लोग हैं, 40 से 45 के लोग बीच में एक बस में लोगों को बैठाया जा रहा है, और 2 बस वही पंजाब जाएगी। कितने दिन से यहाँ स्क्रीनिंग इनकी हो चुकी है, और ये बच्चे तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में, वो यहाँ पे फंसे हुए थे कुछ टाइम से। अब जैसे जो निर्देश आए हैं उसके हिसाब से हम इनको इनके घर पे भिजवा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई सहायता नहीं है, जाने के लिए कोई माध्यम नहीं है, इस वजह से हमने ये सुविधा करवाई।